यहाँ पर हमें स्विमिंग पूल दिख गया, तो चलते पर डुबकी मारते। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे सभी? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। यार दिन की शुरुआत ही खराब हुई थी, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ था, कुछ फ्रॉड वर्ड हो गया था मेरे साथ, ठीक है। तो इस वजह से मैं सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था। एंड मैं अभी शाम के आई थिंक 5 बज रहे, मैं 5 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी मेरे को जाना था कहीं और, बट जाने के लिए मैं आया था रेलवे स्टेशन। यार यहाँ पर भी मेरे साथ गलती हो गया, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा ट्रेन मेरे सामने खुल गई, पकड़ भी नहीं सकता है जाकर। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या करना है। क्या करना भाई? भाई तुम्हारे कारण लेट हो गया यार। भाई जाना था यार, लेट हो चुका है। ये रहा पटना जंक्शन। तो गाइस हमें जाना था पटना सिटी, बट पटना सिटी जाने से पहले ही ट्रेन छूट चुका है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, उसके बाद चलेंगे पटना सिटी सेंटर मॉल। पटना सिटी सिटी सेंट्रल मॉल, सिटी सेंटर, सिटी सेंटर मॉल, सिटी सेंटर, पहले वहीं चलते हैं। तो आज लास्ट में चलेंगे इस्कॉन टेम्पल, उसके बाद हमें निकलना है, पता है कहाँ? बनारस के लिए। आज हमें बनारस भी जाना है। तो हमारी बनारस की जो ट्रेन है 11:30 बजे यानी 12 बजे करीब है, और उस बनारस वाले ट्रिप में पूरे फैमिली जा रहे हैं, तो सबके साथ जाने वाले, तो मजा बहुत आने वाला है। यार अभी 1 किलोमीटर दिखा रहा, पता नहीं किधर किधर पहले हम लोग चले आए हैं। 1 किलोमीटर बोल के 5 किलोमीटर चलवा दिया, आप बोलते हैं क्या हुआ? अरे भाई बस पास में पहुंच तो गए, उधर से पास में बोल के ना 5 किलोमीटर चल दिए, अभी तक सिटी सेंटर मॉल नहीं मिला। जाना था हमें यहाँ से ऐसे, तो हम लोग पिता कहते हैं ऐसे यहाँ आ रहे हैं। अरे चलो भाई, कितना देर यहाँ से? बस पहुँच गए। तो यार शॉपिंग करना है कि नहीं? नहीं। बस हम लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है। शॉपिंग क्या करेंगे, सब कुछ है ही, जिसके पास नहीं रहता नहीं वो सब। भाई तेरे पास एक चड्डी नहीं लेकर आया तू? चड्डी है। लेकिन यार ये मॉल ना बड़ा भयंकर लग रहा है, काफी काफी यूनिक लग रहा है। इतना बड़ा तो पहली बार है पटना में। ये देखो यार, यहाँ पर कपड़ा खरीदने के लिए हमें 1 पेटी तो लाना ही पड़ेगा भाई, तो कम से कम। लेकिन जो भी बोलो, पटना बहुत तरक्की पर है ना भाई, बहुत मरीन ड्राइव बन गया, फिर ये सिटी सेंटर मॉल बन गया, काफी यूनिक तरीका से बनाया गया भाई। ये देखो इसका डिजाइन देखो ना, मतलब ये फ्लोर है ऐसे करके बना। तो हम लोग पहले चले आईफोन 14 प्रो देखने के लिए, बहुत जरूरी है आज हम लोग खरीदने। यहाँ पर आने के बाद एक कंफ्यूजन है कि भाई घुसना किधर से, हमें इतना ज्यादा द्वार लग रहा है ना कि पता नहीं चल रहा है। ओ भाई, पहले एंट्री के साथ परफ्यूम से स्वागत किया जाता है, एंड जो तुम लगा कर नहीं आया, जो लगा कर नहीं आया को नजर आया, ये है कुत्ता। ये कुत्ता है ना तेरे जैसा? ये हमारी प्रजाति का यहाँ क्या कर रहा है भाई? नहीं हमारे से अलग है ना, कुत्ता है कुछ और ही है। बाय बाय दोस्त, आते हैं घूल कर। यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है यार, मजा आ रहा है, काफी यूनिक लग रहा है यार। सलाह हमें लग ही नहीं आया कि पटना में। यहाँ पर हमें स्विमिंग पूल दिख गया, तो चलते पर डुबकी मारते। ये देखने वाला स्विमिंग पूल है, नहाने वाला नहीं। चलते हैं अभी सबसे महंगा कपड़ा खरीदने। ज्यादा का है क्या? इसके अंदर क्या है? अभी ये क्या है? वही तो हमें समझ नहीं आ रहा खुला है मैं बिल्कुल। बाहुबली सेटअप वाला है क्या? जो भी बोलो ना, डिजाइन मस्त किया गया है यार। यहाँ पर इतना सस्ता कपड़ा मिलता है क्या? हाँ तो 3,000 में ही। अरे भाई 17,999 उसमें 3,000 रुपये ऑफ है, ये भी बहुत सस्ता है लेकिन। नल्ला आदमी फालतू में घूम रहा है, खरीदने और तो कुछ है नहीं। अरे भाई क्या मस्त आ रहा है। यार यहाँ पर ना एक कार रखा हुआ है, काफी मतलब खतरनाक लुक है, पुराना मॉडल है बट मस्त लगा। ऐसा दिखा था ना मतलब कोलकाता में, ऐसा ही नहीं था कलकत्ता? हाँ ऐसा ही था। ये वेस्ट बंगाल का कार है, हम बोले ना कोलकाता का है, तो एक्टर वगैरह का कार होगा मेरे ख्याल। हाँ यार म्यूजिक व्यूजिक रिलेट कर रहा। यार यहाँ से मस्त व्यू दिख रहा है गाइस, टी शर्ट हमें काफी ज्यादा पसंद आया, नहीं बेकार है यार, ये बेकार है बिल्कुल, इतना भी ठंड नहीं लग रहा, तो इतना पहना दिया। कोई गाय कोई अच्छा कपड़ा मैं देखता हूँ, ये टी शर्ट मुझे को पसंद आ रहा है, देखते कितना प्राइस है। नहीं ये नॉर्मल है, अच्छा है, मेरे पास सूट ही नहीं करेगा ऐसा। जैकेट कितना प्राइस है? मस्त है यार, बिल्कुल एक्सप्लेन कीजिए इसका। एक्सप्लेन में यही है कि 11,000 का 2,000 ऑफ है,
साथ जाने में 500 रुपये ऑफ है। हम बोले ना इस मॉल में आइएगा तो एक पेटी लेकर आइएगा। सही है, ये चीज अच्छा है। ये ओरिजिनल है क्या? अरे यार ओरिजिनल है। ऐसा हमको फील हो रहा है यहाँ पर ना, लगता है गेमिंग जोन भी है, तो फिलहाल चलते हैं गेमिंग जोन के साइड, वहाँ पर कुछ ये क्या बात है, खतरनाक लग रहा है। लेकिन पहले प्राइस पूछ रहे थे कितना लगता है गेम का। यहाँ पर गेम खेलने के लिए ना मतलब मिनिमम आपको 500 का रिचार्ज करना पड़ता है एक कार्ड लेकर, तो वो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, तो मैं नहीं जाने वाला भाई, मैं घर पे गेम खेल लूंगा। भाई गेमिंग जोन में भी बहुत सारा का गेम है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहली बार जो आएगा ना उसको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा यार, इधर इतना है फिर उधर उतना है, उतना पास से थोड़ी था। और पीछे आ जा, आप डाल दो। हाँ डाल। ओ ये कैटरीना है वो ऋतिक रोशन। अभी आ चुके हैं स्टेशनरी में, एंड यहाँ पर ना बहुत मतलब अच्छी अच्छी बुक्स है, जो लोग बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा बेनिफिट की। राम द भागवत गीता पूरा इंग्लिश में है। ये वाला बुक है, ये मैंने बुक परचेस किया था, काफी ज्यादा अच्छा बुक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं ना कभी पढ़कर देखना, ये बुक काफी ज्यादा नॉलेजेबल बुक है ये वाला। भाई फोन से छुट्टी नहीं मिलता, यहाँ पर इंग्लिश का बुक पढ़ने में लगे। वाह क्या बात है, ये बड़ा मस्त है यार। जो मेन एरिया है ना मजे करने वाला वो है इधर, बाहर से मस्त लगता है बिल्कुल। कल का अभी तो आए थे मॉल में, आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पर अपने फैमिली के मेंबर मिल गए। यहीं से आप लोग हैं? हम लोग यहीं से हैं। अच्छा, ये मॉल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और यूनिक बनाया गया है ना, तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। हर में विकास हो रहा, खास करके पटना पर कुछ ज्यादा ही हो रहा अभी घूलना था ना यहाँ पर, हम लोग घूल लिए हैंड। अभी चलते हैं बाहर क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया, इतना बड़ा है कि चलते चलते हमारी हालत ही खराब हो चुकी है। खरीदना और इतना कुछ तो था नहीं, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है नॉर्मल है। तो भाई साहब सोचते सोचते अभी आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। फिलहाल भाई साहब अभी आ चुका रूम पे, रूम पे आने के बाद पहले दावा लिया कि मुझे ना बहुत जोर की खोखी सर्दी हो रखी है। फिलहाल दावा खाकर अभी हम लोगों को निकलना है बनारस के लिए, तो कुछ टाइम में हमारी ट्रेन है, आई थिंक 12 बजे हमारी ट्रेन है, ठीक है, तो 12 बजे हम लोग निकलेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नया।